गौ तस्करी के शक में बजरंग दल के लोगों का हाईवे पर गाड़ियों को रोकना, चालकों के साथ मारपीट करना, लूटपाट करना एक आम सी बात हो गई है। ये सो कॉल्ड गौरक्षक लोगों को पीटते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और अपने ही सोशल मीडिया पर डालकर अपना प्रचार भी करते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। इन गौरक्षकों का एक सरागना भी है, एक हेड है जिसका नाम है रॉकी। ये आदमी बकायदा एक इंस्टाग्राम पेज चलाता है और उस पर लोगों के साथ मारपीट की वीडियो डालता है। 14 जुलाई को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दिल्ली के फारूक को गाजीपुर मंडी से लौटते वक्त बजरंग दल के गुंडों ने गौकशी का इल्ज़ाम लगाकर पीटा था, लूटपाट की थी। जब मैंने फारूक से बात की थी तो फारूक ने बताया कि उन्हें पीटने वालों में से किसी एक ने रॉकी को कॉल लगाई थी और पूछा था कि इसे गोली मार दें या सिर्फ पिटाई करके छोड़ दें। हम गाजीपुर से लेटर हाउस से निकले गाड़ी में अपनी माल लेके, तीन लड़के थे हम, मैं फारूक और दो मेरे साथी फहीम और फैजान। हम लेके चले गाजीपुर, वो कड़कड़ नुमा फ्लाई ओवर के ऊपर हमें घेर रखा था पहले ही, वो 12:30 बजे से हमारी ताक में बैठे थे। उन्होंने हमें पकड़ा, करीब करीब 80-90-100 आदमी के करीब इतने होंगे, उन्होंने हमें गाड़ी में से खींचा और मारा और मुझे अलग ले गए थे काउंटर करने के लिए कि इसे मारेंगे, गोली मारेंगे। मतलब पांच आदमी मुझे लेके चले गए थे गाड़ी में और फैजान और फहीम को वहीं पुल के ऊपर सब आदमियों ने ले लिया था, वहीं मार रहे थे उन्हें मेरे सामने ही, और मुझे गाड़ी में कूनिए मारी मेरे, और मारने के बाद में मुझे कहीं जंगलों में लेके गए, वहाँ मुझे बहुत मारा गाड़ी में से निकाल के। और गाड़ी में से निकालने के बाद में एक ने ये बोला कि इसकी गोली यहाँ मार देते हैं, सामने एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ था, दूसरा बोला यहाँ बेहतर नहीं रहेगा, यहाँ सही नहीं रहेगा, यहाँ स्टोर में कैमरे होते हैं तो यहाँ इसे गोली मारनी सही नहीं है, इसे गांव लेके चलते हैं हम, ऐसे उनकी बातें हो रही थी आपस में, मुझे मार भी बराबर रहे थे वो। फिर मुझे गाड़ी के अंदर दोबारा डाला, फिर मेरा बहुत कूनियाँ मारी, आगे चले बहुत दूर तक जाने के बाद बताया वो कौन लोग हैं और क्यों मारे, कौन लोग हैं मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ काफ़ी दूर जाने के बाद में एक का फ़ोन बजता है उनमें से, तो वो कहता है फ़ोन की बेल देखते ही रिंग बजते ही कि सब हाथ रोक लो, बोलना मत कोई मत, रॉकी भाई का फ़ोन आ रहा है, रॉकी भाई का जो उनका बॉस होगा रॉकी भाई, तो मुझे भी छुपा दिया कि बोल आवाज़ ना निकल जाए क्योंकि मैं तकलीफ में था, रो रहा था, कर्रा रहा था मैं, तो मुझे भी छुपा दिया था। रॉकी भाई से बात करी, वो फ़ोन काटने के बाद में बोले इसे छोड़ो, मारना नहीं है, जान से नहीं मारना, मतलब रॉकी भाई बोल रहे हैं कि चलो वहाँ लेके इसे। फिर मुझे कोई करीब एक घंटा पौन घंटे के करीब में फिर दोबारा वहीं फ्लाई ओवर के ऊपर जहाँ मुझे फहीम और फैजान मिले, जहाँ मैं छोड़ के गया था उन्हें, तो आधा पौन या एक घंटे के करीब मुझे मारा है उन्होंने, जान से मारने के इरादे से ले गए थे मुझे। कोई रॉकी भाई हैं, रॉकी भाई हमें वहाँ मौजूद मिले जब हम पहुँचे पुल पे फ्लाई ओवर के ऊपर, फ्लाई ओवर के नीचे ले गए फिर हमें, तो रॉकी भाई को हमने अपनी आंखों से देखा, रॉकी भाई जो हैं तो मेन सरगने वो हैं, इनके जो बॉस हैं तो वो रॉकी भाई हैं, रॉकी राणा नाम से उन्हें जाना जाता है, और ये जितने भी हैं सब 80-90-70 जितने भी आते हैं सब उन्हीं के हैं, मेन जो हैं तो रॉकी राणा हैं। रॉकी की एक पूरी गैंग है जो हाईवे पर लोगों को मारने पीटने का काम करती है, और किस व्यक्ति के साथ क्या करना है, कौन सी सजा देनी है, इसके लिए रॉकी को कॉल करके इजाजत ली जाती है। यानी हरियाणा की तरफ मोनू मानेसर की पूरी टीम है और दिल्ली गाजियाबाद की तरफ रॉकी की पूरी टीम है जो खुद को गौरक्षक कहती है और रातों में हाईवे पर मुस्तैद रहती है, रात के पहर हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखती है और पुलिस की मिलीभगत से ही लोगों को पीटने का काम करती है। आपको ये भी बता दें कि ये लोग ये काम कोई धार्मिक भक्ति की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है। इस धंधे के चलते ये सो कॉल्ड गौरक्षक हाईवेज पर लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट करने के बाद उन्हें पुलिस में दे देते हैं। इसके बाद पुलिस उन पर झूठे आरोप लगाती है और मोटे पैसे लेकर छोड़ देती है। 4 से ज़्यादा वारदात दिल्ली के गाजीपुर मंडी वाले हाईवे पर हो चुकी है, और अगर एक ही जगह पर बार बार ऐसी वारदात हो रही है तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ है कि पुलिस की मिलीभगत से ये सब काम हो रहे हैं। इस वक्त गौकशी के शक में मुसलमानों को मारने पीटने का नशा हिंदूवादी संगठनों के सर पर चढ़कर इस कदर तांडव कर रहा है कि अब ये लोग, ये सो कॉल्ड गौरक्षक हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब इन्होंने गोली मारकर 12वीं के एक छात्र आर्यन मिश्रा की जान ले ली। आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा कह रहे हैं कि गौ तस्कर समझ कर गोली मार दे, इन्हें ये अधिकार मोदी सरकार ने दी है। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दे आम को, ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है?
मैं हूं रुबान सादी, आप देख रहे थे मिलत टाइम्स।